कांग्रेसी ये कौन कांग्रेसी नहीं है जो महोदय खुद बोले हैं। हमारे मुस्लिम समुदाय जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहता उसके वरिष्ठ नेता दुरु मियां को हराकर आए। उसके बाद जिस दलित समाज ने मायावती और बसपा के नाम पर जिन्होंने वोट दिया उस समाज को उन्होंने जुटला दिया और आज तीसरी जगह आगे वो बैठ गए। मतलब पिछले 2.5 सालों में यूथ बोर्ड के मेंबर वो थे वसुंधरा जी के समय, उसके बाद आज बसपा से चुनाव लड़े और फिर कांग्रेस पार्टी में। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे या गद्दार कौन है कौन वफादार है इसकी परिभाषा देने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हमने इससे पहले आज से आज तक आप ये बताएं कि किसी दूसरे विधायक के खिलाफ हमने बात रखी क्या? हमने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका मान सम्मान रहे। हमने अपने लिए मंत्री पद नहीं मांगा, पारिक जी ने नहीं मांगा, पायलट साहब ने नहीं मांगा, हम तो अपनी चीजें छोड़ के बैठे हैं, त्याग के बैठे हैं। तो उन लोगों को हम तो कह रहे हैं संदीप जी को बना दो मंत्री, पर उनके द्वारा ऐसी तीखी टिप्पणी किसके कहने पे की गई है? बात यह है कि कौन पार्टी में रहकर अपनी आवाज को उठा रहा है और कौन ये चाह रहा है कि ये लोग वापस भाग जाएं? क्यों कि आज जो कांग्रेस पार्टी मेरे परिवार ने आज तक पीढ़ियों से कभी बीजेपी और दूसरी पार्टियों को वोट नहीं दिया। मैं टिकट नहीं मिला एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते हुए मैं पार्टी के साथ रहा। यूथ कांग्रेस का चुनाव नहीं हुआ 7 साल, मेंबरशिप करवाने के बाद में पार्टी के अंदर रहा। 5 साल सचिन पायलट जी ने संघर्ष करा उनके साथ, चाहे पद यात्राएं हो चाहे बीजेपी के खिलाफ हो, वसुंधरा राजे जिसकी सरकार थी उसके खिलाफ हमें मैंडेट मिला और उसके बाद सरकार हमारी बनी। लेकिन आज जो स्थिति में है मुझे लगता है कि संदीप यादव जी को वसुंधरा जी ने कह के बुलवाया होगा, नहीं तो इतनी तीखी टिप्पणी नहीं करते। वो कौन फूट डालना चाह रहा है इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और कौन कांग्रेसी है, किसके खून में कांग्रेस है, किसके खून में कांग्रेस नहीं है, कौन गद्दार है, ये राजस्थान की जनता। अन्य खबरों के लिए ऑनलाइन पाली चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।